वहां पर मेरा एक सवाल, सबसे एक सवाल कॉमन रहता है, चाहे कोई भी बैठा हो, समाज का कोई भी व्यक्ति बैठा हो या हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक बैठा हो, मेरा एक सवाल सबसे पहले पूछता हूं कि इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था है, जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था है, उसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें आप पाएंगे कि 30% प्लस 40%, 30% SC ST और 40% मोटे मोटे तौर पर हम कहेंगे OBC, तो टोटल हो गए 70%। अगर हम इसमें मोटे मोटे तौर पर 15% और जोड़ दें तो हो जाते हैं 85%। अब एक बात तो ही हो गई, दूसरा पॉइंट 50% महिलाएं एक तरफ है, इस देश की टोटल आबादी की 50% महिलाएं एक तरफ है, तो 85% से 88% एक पॉपुलेशन जिसको हम कहेंगे वंचित, डाउन ट्रोडन, या जो इंतजार कर रही है खिलने के लिए, देश के संसाधनों में अपनी भागीदारी का इंतजार कर रही है। तो गवर्नमेंट फंक्शनरी से मेरा ये सवाल होता है कि आप कोई बात नहीं, आप अगर कहते हैं कि रिजर्वेशन को हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कहते हैं कि संविधान में चेंज करना है तो ठीक है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि 85% से 88% के बीच में जो पॉपुलेशन है और 50% जो महिलाएं हैं, इनकी देश के संसाधनों में भागीदारी के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, आप ये सबसे पहले एड्रेस कर दीजिए और फिर उसके बाद जो आपको करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, जिनको आप कहते हैं कि नहीं हम कुछ करेक्टिव एक्शंस लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, बाबा साहब ने इस सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का संविधान लिखा है और वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और पूरे देश की प्रेरणा स्रोत है, वो विशेष वर्ग के नहीं है, वो पूरे देश के, तो जिसकी वजह से देश चलता है, उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया, नई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, महिलाओं के लिए सम्मान दिया, संविधान में लिख दिया, वो चीजें लिख दी उन्होंने, डॉक्यूमेंटेड कर दी कि ये देश कैसे चलेगा। अब आप ये बताएं कि देश आप संविधान से चलाना चाहते हैं या अपने भीमसेन फैन से चलाना चाहते हैं, फिर हमें इस तरह से चलाना है। ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं एक सरकारी अधिकारी हूं, बट जो हकीकत है वो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं। तो देश के संसाधनों में जो वर्ग है, 85% का जो वर्ग है, इसकी भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं कि क्यूमुलेटिव विकास, तो क्यूमुलेटिव जो प्रोग्रेस है वो कैसे होगी, देश के लोगों से होगी या 10% के लोगों से होगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा, जब देश के नागरिक आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। आप कैसे देश की कल्पना कर रहे हो जिसमें आप 88% 90% लोगों को एक तरफ रख के देश के विकास की बात कर रहे हो, तो कैसे संभव है। अच्छा, अब हम एक मुख्य पॉइंट पर आएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाबा साहब ने कहा भाई कुछ रिप्रेजेंटेशन हम इसमें दे रहे हैं, तो जब उन्होंने इतनी सारी डिग्रियां ली, बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई की, दुनिया के संविधान पढ़े, उसमें देखा कि कौन से देश में क्या क्या हो रहा है, US, UK उसमें मुख्य रूप से थे, तो उन्होंने देखा कि US के अंदर भी
अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं, लिए जा रहे हैं, अभी भी लिए जा रहे हैं। अफर्मेटिव एक्शंस का मतलब यह है कि एक कंप्लीट प्रोग्रेस, समाज का जो अंतिम वर्ग का व्यक्ति है, जो लाइन में एंड में खड़ा हुआ है, उसको भी हम संसाधनों में कैसे जोड़ें। तो अफर्मेटिव एक्शंस गवर्नमेंट लेती है एक बैलेंस करने के लिए, समाज के अंदर बैलेंस लाने के लिए करती है। उसका दूसरा रूप आप रिजर्वेशन कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बड़े ही बहुत ही डिफरेंट टाइप की सिचुएशन है। ये जो सोसाइटी है, हमारे देश की जो सोसाइटी है, ये बहुत ही करेक्टराइज बाय ए डिफरेंट एटीट्यूड, एक डिफरेंट तरह का एक कल्चर है, डिफरेंट तरह का एक एटीट्यूड है लोगों के बीच में। वो इस तरह से बांट दी गई है, इस तरह से डिवाइडेड है कि जैसे अगर हम चतुर्वर्ग की भी बात करें तो वो भी 6000+ जातियों में विभाजित है, और उसका यूनाइटेड होना इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि द सोसाइटी इज कैरेक्टराइज बाई ए डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड, आपस में इस तरह से विभाजित है कि यहां पर हर कोई किसी से सुपीरियर है। सुपीरियर कैसे है? अब आप सोचिए कि पहली पंक्ति में कोई भाई साहब बैठे हुए हैं, उनके पड़ोस में सर बैठे हुए हैं, वो कहेंगे जी मैं चतुर्वर्ग से जरूर हूं, पर आप उस कास्ट की और मैं इस कास्ट का। तो ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वेयर एवरीबॉडी सुपीरियर देन एवरीबॉडी, हर कोई किसी से सुपर है। तो आप ऐसे समाज के अंदर क्या कल्पना करेंगे? तो बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से जो आपकी जो समाज को भी डिवाइड किया गया है, सबसे पहले बाबा साहब ने वो कार्य किए कि भैया तुम सब एक ही हो, ये तुम्हारे मन का भ्रम है, कुछ लोगों ने तुम्हें डिवाइड किया हुआ है, पहले तो इकट्ठे हो जाओ। अगर समग्र विकास करना है तो सबसे पहले अपने को एक दूसरे से सुपर मानना छोड़ो। दूसरी बात, जब आप इनहेरेंट डिफरेंसेस नहीं होंगे तो क्या होगा कि आपस में खाना पीना और शादियां भी होंगी। जब एक दूसरे को स्वीकार करेंगे तो समरसता आएगी आपस के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर बाबा साहब ने ये कही कि अगर आप मेरे मिशन को आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम विरोध ना करें। तो कहने का मतलब, माइक्रो लेवल पर अगर हम जाएं तो ये समझ सकते हैं इस बात को कि अगर जैसे दो भाई साहब बैठे हुए हैं, इनके बीच में वैचारिक मतभेद है, तो वैचारिक मतभेद होते हुए भी हम एक दूसरे का विरोध ना करें, क्योंकि इससे मिशन के कार्यों को बहुत बाधा पहुंचती है। यह बहुत आवश्यक है कि हम अगर मिशन के कार्यों को आगे ना ले जाएं तो उसमें बाधा भी ना बने, तो एक दूसरे का विरोध भी ना करें, ये बहुत आवश्यक है। मेरे विचार हो सकता है आपसे ना मिले, आपके विचार मेरे से नहीं मिले, कोई आवश्यक नहीं है कि हर दूसरे विचार मेरे, घर में भी नहीं मिलते, पांच उंगली बराबर नहीं है, लेकिन डेस्टिनेशन तो हमारा सबका एक ही है, हमारे जो आदर्श हैं वो तो एक है ना, जिन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है वो तो हमारे आदर्श हैं। आपका भी रास्ता वही है, मेरा रास्ता भी है, हरीश सर का रास्ता भी है, रंजीत सर का रास्ता, सबका रास्ता एक ही है। तो अब जो मैं दूसरे पॉइंट पर आने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि अब नौकरियां तो आपकी ऑलमोस्ट वॉस्ट आउट हो रही हैं, आप देख रहे हैं माहौल देश में किस तरह का है। रंजीत जी ने कुछ एक ग्लिम्स आपको दिया कि क्या क्या हो रहा है, एक सेंटेंस उन्होंने बोला था उत्तर प्रदेश के बारे में
क्रिटिसाइज में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अफर्मेटिव बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे कि देश में नौकरियों की हालत बहुत दयनीय है। जो हैं वो भी ऑलमोस्ट आने वाले समय में ख़त्म करने की तरफ प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब पहली बात 30% जो पॉपुलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर हम 40% पे जाएंगे। तो 30% जो लोग हैं, मुख्य आबादी है, जो डाउन टोलरेंस या हम और आप सारे लोग, वो करें क्या? तो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया बाबा साहब, द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इस कंट्री में लाने वाले, कोई कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी थे, बिल्कुल एब्सोल्युटली फॉल्स। इस कंट्री में औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने वाले हमारे बाबा साहब, आप उठा के देख लीजिए। अब पुरानी तस्वीरें मैंने तो अपने लघु उद्योग मंत्रालय के दफ्तर में देखी हैं, वो पुरानी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट की, इसलिए मैं चीज़ें बोल रहा हूँ आपको। मैं कहीं कहीं सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे कोई कह दे कि आप उसकी पूजा करें, ये करें, तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, नहीं। मैं पहले लॉजिक पर काम करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने सिखाया है लॉजिक, बुद्धि लगाएं, दिमाग लगाएं, उसके बाद काम करें। और लिविंग लीजेंड्स, क्योंकि लिविंग लीजेंड्स हैं हमारे, ये हमारे पूर्वजों ने अभी कुछ साल पहले ही बाबा साहब को देखा है, उनको उनकी कार्यशैली को देखा है, तो वो हमारे लिविंग लीजेंड्स हैं। तो हम लिविंग लीजेंड्स को मानेंगे, हम ऐसी शक्तियों को बिल्कुल नहीं मानेंगे जिनका अस्तित्व था या नहीं था हम नहीं जानते, बट इसके बारे में हम श्योर हैं कि ये तो थे। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए वो बाबा साहब लेके आए, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारी कौम बेसिकली आर्टिजन्स हैं, किसान हैं, आर्टिजन्स हैं, कारीगर हैं, तो हम उद्योग धंधों में बहुत निपुण हैं। तो हम अपनी पकड़ उद्योग धंधों में बनाएं, नौकरी की जगह पर शिफ्ट हो जाएं अब, और करें कि जी इंडस्ट्री लगाएंगे, चाहे छोटा मोटा इंडस्ट्री लगाएं, माइक्रो लेवल की यूनिट लगाएं, स्मॉल यूनिट लगाएं, मीडियम यूनिट लगाएं, अपना बिजनेस करेंगे, हम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, उद्यमिता करेंगे, ये डिफरेंट नाम है। और अगर इसमें भेद के लिए इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको सारे डिटेल बताऊंगा, बट उद्यमी बनेंगे मूल, मतलब मेरा मुख्य रूप से मैसेज है उद्यमी बनेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने इस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, उनको लोगों की नीयत पर बहुत शक था, उनको मालूम था कि क्या होगा। तो हम अपने को शिफ्ट करते हुए बच्चों को खूब पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, बट एट द सेम टाइम उनको बोलें कि बेटे अच्छे एंटरप्रेन्योर बनो, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर अपने पीछे बहुत बड़ी विरासत छोड़ के जाता है और साथ साथ में कईयों को नौकरी देता है, उससे कईयों का घर पलता है। चाहे छोटे छोटे आप उद्योग धंधे करें, तो इसके बारे में अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम और आप बैठ सकते हैं कभी भी, ओपन हाउस है ये, मेरा एक निमंत्रण है दोनों समिति के अध्यक्षों से और उनके कार्यकर्ताओं से, जगत सिंह जी, रंजीत जी, के लघु उद्योग मंत्रालय की बहुत सारी स्कीम है, कुछ प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, तो पूरे दिल्ली NCR, पूरे भारतवर्ष से जब लोग उसको देखने के लिए आते हैं, बसों में आते हैं, तो आप भी एक छोटे जो है बस वगैरह करके आ जाइए ऑफिस के अंदर एक बार। हम तो हर सैटरडे अपना ऑफिस ओपन कर देते हैं, तो आपको बताएंगे कि मोमबत्ती कैसे बनानी है, साबुन कैसे बनाना है, बिस्कुट कैसे बनाने हैं, पेपर नैपकिन कैसे बनानी है, टिश्यू पेपर कैसे बनाने हैं, छोटी छोटी चीज़ें, पैट बॉटल कैसे बनानी है, यहाँ ये सामान रखा हुआ कैसे बनेगा, बुक बाइंडिंग कैसे होगी, कोई भी चीज़ आपके
कण कण में जो है बसा हुआ लघु उद्योग, क्योंकि इस कंट्री का 50% एम्प्लॉयमेंट रोजगार और 50% जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लघु उद्योग से ही चलती है। तो इस देश के अंदर जो रीड है वो लघु उद्योग है, तो लघु उद्योग पर अपना कब्जा करें, छोटे छोटे बिजनेस करें और उसमें जो भी हेल्प हो सकती है हम बिल्कुल तैयार हैं। अब एक चीज और, मेरे बहुत से साथी हैं उनके बच्चे कनाडा चले गए। सर टाइम तो है, अच्छा कम है, अच्छा ठीक है, मैं संक्षेप बोलने के लिए बहुत कुछ है इसलिए मैंने तो बच्चे हमारे हैं ना विदेश जा रहे हैं आजकल, कम से कम 8-10 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे उनका सेट में स्कोर, GRE में स्कोर, GMAT में स्कोर। वो बच्चे कहते हैं सर जब टीना डाबी UPSC में नंबर एक पर आ सकती है, आप ये बताएं जब UPSC टॉप कर सकती है टीना डाबी, और हमारे बहुत से साथी अंडर 100 रैंक में आ सकते हैं। तो सर ये सब बोलते हैं कि बाबा साहब की वजह से उनसे हमने प्रेरणा ली, तो सर बाबा साहब बाहर पड़े थे, तो अब हमें सोच अपनी लोकल न रख करके ग्लोबल पे जाना चाहिए, अपने बच्चों को बाहर भेजने का प्रयास भी करना चाहिए, उनको विदेश में पढ़ाइए। अगर कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है जिसका 10 में से 10 CGPA आ रहा है या 95 से ऊपर स्कोर कर रहा है, तो उस बच्चों का प्रेरित करिए कि मैसाचुसेट्स में पढ़े, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, कैम्ब्रिज में पढ़े, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं। और इसके बारे में आपको अगर किसी भी तरह की डिस्कस करना है तो मैं एकदम ओपन हूँ, आप रंजीत जी और इनसे भी बातचीत कर सकते हैं, कभी भी मेरे ऑफिस में आइए, घर पे भी आइए, आप सभी के लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट कर दिया है मेरा, सभी को